नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। चुन्नावड़ से हमारे संवाददाता महेंद्र प्रवांदा ने बताया कि चुन्नावड़ कोठी में डीटीओ कार्यालय शुरू करने की मांग को लेकर दूसरे दिन समाजसेवी शमशेर सिंह को प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन देने पर चुन्नावड़ नायब तहसीलदार देवकर ने धरनार्थी शमशेर सिंह को जूस पिलाकर कुछ दिनों के लिए धरने को हटवा दिया गया। ग्रामीण हीरालाल शर्मा, रामकुमार सहारन, राजकुमार भंडारी, आकाश मेदरिता, बिट्टू बेदी, जशन बुल्लर, जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा चुन्नावड़ कोठी में डीटीओ कार्यालय स्थापित नहीं किया गया तो इसको लेकर क्षेत्रवासियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों सहित संयुक्त रूप से एकजुट होकर 25 अगस्त को पुनः बड़ा आंदोलन करने हुए धरना दिए जाने की चेतावनी दी है। क्षेत्र इलाका के GKS के किसानों, व्यापारियों, टैक्सी यूनियनों, धार्मिक स्थानों, दलित मजदूर संघों सहित ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई कि ग्रामीणों की जायज मांग पूरी नहीं होने पर वे मंगलवार को संयुक्त रूप से एक बड़े स्तर पर धरना आंदोलन करने का आह्वान किया। सभी गणमान्य नागरिक क्षेत्रवासियों से बड़े धरना आंदोलन के लिए लोगों से जनसंपर्क में जुटे हुए धरना स्थल पर गुरुवार को ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार देवकरण को जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। इस दौरान अधिकारियों के साथ चुन्नावड़ कोठी के परिवहन विभाग परिसर में पीपल के पेड़ का पौधा रोपण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि नियमानुसार चुन्नावड़ कोठी में परिवहन कार्यालय शिफ्ट किया गया था, जिसे राजनीतिक दबाव के कारण उसे रातों रात आनन फानन में वापस गंगानगर में स्थापित किया गया है, जिसको लाने के लिए क्षेत्र के लोगों द्वारा मांग की गई है। अगर फिर भी प्रशासन द्वारा जायज मांग नहीं मानी गई तो इलाका के लोग बड़े स्तर पर धरना आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और जिसकी तमाम जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।